मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में बढ़ रही आतंकी घटनाओं से बौखलाकर वहां के कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान पर F-16 और ड्रोन से हमला करने की मांग कर दी। आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वहां पिछले एक साल में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर दी, क्योंकि उनका आरोप है कि TTP समेत दूसरे आतंकी संगठनों को भी अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ही बढ़ावा देते हैं। और तालिबान की मदद से TTP के आतंकियों ने पिछले एक साल में पाकिस्तान में कई धमाके करवाए, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार से अफगानिस्तान पर हमला करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल करने की नसीहत दी, ताकि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों का सफाया किया जा सके। पाकिस्तान आतंकी संगठन TTP से इसलिए भी खौफ में है क्योंकि उसके निशाने पर वहां की सेना और पुलिस है। इस बीच बलूचिस्तान में सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान और तालिबान में टकराव बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले हुए उस हमले की जिम्मेदारी TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी, और पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान TTP को शह देकर उसकी सेना पर हमले करवा रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक रोज पहले तालिबान को खरी खरी सुनाई थी। साथ ही उन्होंने तालिबान को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि TTP तालिबान की कठपुतली की तरह काम करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के कमांडरों ने तालिबान पर लगाम लगाने की प्लानिंग की, और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए आसिम मुनीर की अगुवाई में जो बैठक हुई उसमें तालिबान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान और तालिबान के बड़े अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान TTP पर लगाम लगाने के लिए तालिबान को सख्त संदेश दे सकता है। उधर अपने देश में फैले आतंकवाद का ठीकरा अफगानिस्तान के शरणार्थियों पर फोड़ने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने करारा तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां के रक्षा मंत्री ने इसके लिए अफगानिस्तान के शरणार्थियों को जिम्मेदार बताया था, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान से लगने वाली उसकी सीमा के पास करीब 8 लाख से ज्यादा अफगानी शरणार्थी रहते हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन्हीं अफगान शरणार्थियों पर पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में मदद करने का आरोप लगाया, क्योंकि वहां हुए ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने ली, जिसे पाकिस्तान तालिबान का मुखौटा मानता है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के आरोपों से जुड़े कोई सबूत हासिल नहीं हुए,